आज के लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगा कंसेप्ट ऑफ डिफ्यूजन एंड फ्यूजन विद ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन अकॉर्डिंग टू कनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस मूव रैंडमली, गैसेस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं। दे कोलाइड विद वन अनदर एंड स्कैटर इन डिफरेंट डायरेक्शंस। मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं और डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर स्कैटर कर जाते हैं, बिखर जाते हैं। दस दे मिक्स विद ईच अदर, इस तरह उसके मॉलिक्यूल्स पूरे कंटेनर के अंदर एक दूसरे में मिक्स होते हैं। तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन कुछ यूं की जा सकती है, द स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस, मुख्तलिफ गैस के मॉलिक्यूल्स की इंटरमिक्सिंग ताकि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाए ड्यू टू कोलिजन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स, इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। गैसेस डिफ्यूज क्यों करती हैं? व्हेन डिफरेंट गैसेस आर मिक्स टुगेदर, जब डिफरेंट गैसेस आपस में इंटरमिक्स होती हैं तो वो हर जगह पे अपना एक सेम प्रेशर रखना चाहती हैं, इसलिए वो एक दूसरे के अंदर इंटरमिक्स होके होमोजीनियस मिक्सर बनाएंगी ताकि उनका पार्शियल प्रेशर हर जगह पे इक्वल हो सके। तो इन दो रीजंस की वजह से गैसेस डिफ्यूज करेंगी। डिफ्यूजन की एग्जांपल्स, द स्मेल ऑफ रोज आर अ सेंट स्प्रेड्स ड्यू टू डिफ्यूजन, एक रोज की स्मेल या एक सेंट डिफ्यूजन की वजह से स्प्रेड करती है। मसलन अगर रूम के कोने में एक परफ्यूम स्प्रे किया जाए तो उसकी स्मेल पूरे रूम में डिफ्यूजन की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स की एयर पार्टिकल्स के साथ कोलिजन और रैंडम मोशन की वजह से वो मूव करते हैं और पूरे कमरे में स्मेल फैल जाती है। सेकंड एग्जांपल, द मिक्सिंग ऑफ NO2 एंड O2। NO2 एक ब्राउन गैस है, O2 एक कलरलेस गैस है। जब एक कंटेनर के अंदर ये इनक्लोज हो जिसमें दरमियान में एक पार्टीशन है जैसे ये फिगर में दिखाया है, अगर दरमियान से पार्टीशन को रिमूव किया जाएगा तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स NO2 वाले केबन में मूव करेंगे जबकि NO2 के पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन वाले केबन में मूव करेंगे। इस तरह मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन और कोलिजन की वजह से एक होमोजीनियस मिक्सर बन जाएगा और इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। अफ्यूजन क्या है? इट इज द एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वन बाय वन, गैस के मॉलिक्यूल्स का वन बाय वन एक कंटेनर या वेसल्स में से निकल जाना विदाउट कोलिजन्स थ्रू अ होल ऑफ मॉलिक्यूलर साइज एक्सट्रीमली स्मॉल साइज इनटू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, उस कंटेनर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर जाना गैस के मॉलिक्यूल्स का थ्रू एन एक्सट्रीमली स्मॉल होल, इसको अफ्यूजन कहते हैं। जिस तरह ये कंटेनर है और इसमें एक एक्सट्रीमली स्मॉल होल है, इसमें गैस वाली साइड पे प्रेशर हाई होगा जबकि दूसरी तरफ जहां पे मॉलिक्यूल्स नहीं है वहां पे लो प्रेशर है। तो मॉलिक्यूल्स एक एक्सट्रीमली स्मॉल होल से हाई प्रेशर वाले एरिया से लो प्रेशर वाले एरिया की तरफ मूव करेंगे वन बाय वन विदाउट कोलिजन, इसको हम अफ्यूजन कहते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स अफ्यूज क्यों करते हैं? द एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नॉट ड्यू टू कोलिजन, गैस के मॉलिक्यूल्स की एस्केपिंग आउट टेंडेंसी उसकी कोलिजन की वजह से नहीं है। इट इज ड्यू टू देयर टेंडेंसी टू एस्केप वन बाय वन, ये इस वजह से है कि वो मॉलिक्यूल्स वन बाय वन मूव करते हैं। अब गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक्सट्रीमली स्मॉल होल से वन बाय वन क्यों मूव करते हैं? गैस के मॉलिक्यूल्स की ये हैबिट है कि वो आपस में भी कोलाइड करते हैं और वेसल्स की वाल के साथ भी हर वक्त वो कोलाइड करते रहते हैं। व्हेन अ मॉलिक्यूल कम्स इन फ्रंट ऑफ अ होल, जब एक मॉलिक्यूल एक होल के सामने आता है एक्सट्रीमली स्मॉल होल, इट इंटर्स इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द वेसल्स, तो वो वहां से टकरा के वापस जाने की बजाय होल में से पास करके दूसरे रीजन में चला जाएगा। इस तरह गैस के मॉलिक्यूल्स का एक होल से मूव कर जाना उसको हम अफ्यूजन कहते हैं। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, थॉमस ग्राहम एक इंग्लिश साइंटिस्ट था जिसने 1848 में एक लॉ फार्मूलेट किया जिसे हम ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहते हैं, जिसके मुताबिक एक हल्की गैस के मॉलिक्यूल्स एक भारी गैस के मॉलिक्यूल की निस्बत ज्यादा तेजी के साथ मूव करते हैं, जिसको हम एक प्रॉपर स्टेटमेंट में देखते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ अ गैस, एक गैस की रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन यानी गैस के मॉलिक्यूल्स की डिफ्यूजन और इफ्यूजन की रफ्तार इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी, ये उसकी डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी जितनी भारी गैस होगी एक हैवी गैस होगी उसके मॉलिक्यूल्स आहिस्ता से मूव करेंगे, एक लाइटर गैस जिसकी डेंसिटी कम है उसके मॉलिक्यूल्स तेजी से मूव करेंगे। मैथमेटिकली हम इनको लिखेंगे,
रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रोपोर्शनलिटी के साथ खत्म करेंगे और एक कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कांस्टेंट के तमाम गैसेस के लिए सेम है, जब तमाम गैसेस को हम सेम टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर स्टडी करते हैं। फर्ज करें हमारे पास दो गैसेस हैं, गैस वन एंड गैस टू। गैस वन का रेट ऑफ डिफ्यूजन है आर वन, गैस टू का रेट ऑफ डिफ्यूजन है आर टू। गैस वन की डेंसिटी डी वन है और गैस टू की डेंसिटी डी टू है। अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ गैस वन के लिए इक्वेशन हम लिखेंगे आर वन क्रॉस स्क्वायर रूट ऑफ डी वन इज इक्वल टू के, गैस टू के लिए लिखेंगे आर टू क्रॉस स्क्वायर रूट ऑफ डी टू इज इक्वल टू के। चूंकि दोनों इक्वेशन के इक्वल हैं तो इनको हम इक्वलाइज करते हैं, आर वन क्रॉस स्क्वायर रूट ऑफ डी वन इज इक्वल टू आर टू क्रॉस स्क्वायर रूट ऑफ डी टू। R1 over R2 is equal to square root of D2 over square root of D1. Density of a gas का formula है D is equal to PM over RT. यहाँ पे density और molar mass किसी gas का directly proportional है, इसलिए हम density की जगह पर molar mass भी use कर सकते हैं। R1 over R2 is equal to molar mass of gas 2 square root of molar mass of gas 1. इक्वेशन वन और इक्वेशन टू हम यूज कर सकते हैं फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैसेस। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ग्राहम्स लॉ, ग्राहम्स लॉ को हम लेबोरेटरी के अंदर एक ग्लास ट्यूब लेकर दो डिफरेंट गैसेस के रेट ऑफ डिफ्यूजन को नोट करके वेरीफाई कर सकते हैं। फर्ज करें एक ग्लास ट्यूब है जो 100 सेंटीमीटर लॉन्ग है। फर्ज करें हम दो डिफरेंट सॉल्यूशंस लेते हैं, एक HCl और दूसरा NH3 सॉल्यूशन। रुई के कार्टन को HCl और अमोनिया के सॉल्यूशन में भगोकर ट्यूब के दोनों एंड्स के ऊपर लगाएंगे। कुछ वक्त के बाद हमें इस जगह पे वाइट फ्यूम्स नजर आएंगे जो HCl और अमोनिया गैस के मॉलिक्यूल्स के रिएक्शन को शो करते हैं। तो यहाँ पे अमोनिया गैस और HCl के रिएक्शन से NH4Cl प्रोड्यूस होगा जिसके वाइट फ्यूम्स होंगे। इस पॉइंट पे HCl गैस 40.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगी और अमोनिया गैस के मॉलिक्यूल्स 59.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेंगे। ये इन गैसेस का रिस्पेक्टिव रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स एक ही वक्त में इतना डिस्टेंस कवर करके इस जगह पर पहुंचे हैं। तो HCl गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा 40.5 सेंटीमीटर और अमोनिया गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा 59.5 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया ओवर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ HCl मोलर मास ऑफ अमोनिया स्क्वायर रूट। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, HCl का मोलर मास है 36.5, अमोनिया का 17, सिंप्लीफाई करेंगे 1.46 दोनों का आंसर आएगा। क्योंकि अमोनिया और HCl गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन की रेशो और उनके मोलर मास की रेशो का स्क्वायर रूट सेम आंसर दे रहा है, तो इस तरह ग्राहम्स लॉ की वेरिफिकेशन हो जाती है।